नमस्ते सभी को। तो इकाई को देखते हैं, इकाई के पांच आयाम दिखाई देते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म और परम धर्म, फॉर्म प्रॉपर्टी है ना, और उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक इनेटनेस और कोएग्जिस्टेंस, ये पांच आयाम दिखाई देते हैं। और इस पर उन्होंने कल काफी बात की, इनफैक्ट पिछले दिन भी उन्होंने बात किया। तो दिखाई देता है कि रूप का मतलब है आकार आयतन घन, गुण का मतलब है परस्परता में प्रभाव। तो वहां दो इकाइयां परस्परता में है, एक इकाई का दूसरी इकाई में परस्परता में जो प्रभाव पड़ रहा है उसको गुण कह रहे हैं। और स्वभाव का मतलब है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी संबंध। धर्म का मतलब है व्यवस्था। परम धर्म का मतलब है सहस्तित्व। तो दिखता है रूप और गुण में वेराइटी है, परिवर्तनशीलता है, बदलते रहते हैं, इसलिए वो ज्ञान की वस्तु नहीं है। जो ज्ञान की वस्तु है स्वभाव धर्म और परम धर्म है। स्वभाव को हम चिंतन के स्तर पर देख पाते हैं, धर्म को बोध के स्तर पर देख पाते हैं, और परम धर्म को अनुभव के स्तर पर देख पाते हैं। हाँ भाई, नमस्ते सबको। नमस्ते। इधर 2 दिन से तो मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरा कुछ प्रश्न है भाई। धर्म को जो व्यवस्था बोल रहे हैं, तो जो ये व्यवस्था है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था है या मनुष्यों द्वारा भी जो बनाई गई व्यवस्था है उसको भी कहा जा रहा है? नहीं, जो व्यवस्था पहले से प्रकृति द्वारा भी बनाई नहीं गई, प्रकृति में व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था को जरा सा भेद समझा दीजिए, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ कुछ समझाने की कोशिश करिए। हाँ, अभी आते हैं। अभी जब चारों अवस्थाओं को ओपन अप करेंगे तो व्यवस्था समझ में आएगी और विस्तार से। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न भैया जी, जो जी जो मानव है वो दो कार्य करता है, या तो कार्य करता है तो व्यवहार करता है, जहां तक मेरे समझ में आया। तो ये जो कार्य करता है ये शेष इकाई के साथ करता है, और जो व्यवहार करता है ये दूसरे मैं के साथ करता है। क्या ये बात सही है? हाँ, और क्या। ठीक। तो जो वो कार्य करता है उसमें जो इकाई के साथ करता है उसमें मैं भी शामिल हो जाता है? नहीं, हम्म। तो कार्य जब कर रहे हैं तो शेष प्रकृति, यानी हम मैं और मैं के संबंध का निर्वाह कर रहे हैं तो व्यवहार है, और मैं और शेष प्रकृति के संबंध का निर्वाह कर रहे हैं तो कार्य है। अच्छा अच्छा ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न और है। जब हम ये संबंधों मतलब व्यवहार या कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो जैसे आप अभी हम लोगों को कुछ ज्ञान मतलब कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ये व्यवहार का पार्ट है या कार्य का पार्ट है? आप बताइए। क्योंकि मैं तो इसमें कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि एक तरीके से तो एक हमें ज्ञान मिल रहा है, तो यहाँ संबंध संबंध तो थोड़ा मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है मेरे को। क्या कंफ्यूजन है? संबंध का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं और मैं के संबंध का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, और आप हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो एक संबंध है एक तरीके से। एक तरीके से क्या, और क्या है ये? संबंध में निर्वाह का अर्थ ही यही हुआ कि एक दूसरे की समझ को बढ़ाने में हम सहयोगी हो जाए, पूरक हो जाए, यही संबंध है। अच्छा ठीक भैया, और क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा अगला भी सवाल है कि जैसे अब ये तो समझ में आने लगा है थोड़ा बहुत बारीकी से, कि अगर कोई अपने संबंध का निर्वाह नहीं कर पा रहा है या कोई कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये समझ में आता है कि उसकी योग्यता में कमी है, लेकिन चाहना में कोई कमी नहीं है। तो ये तो समझ में आता है मेरे को, अब आने भी लगा है। लेकिन एक तरफ से जब इसको विपरीत विपरीत करके देखें, उल्टा करके देखें, कि कोई मुझसे ज्यादा योग्य है और मैं उतना योग्य नहीं हूँ, इसको मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन में जाने का पैदा हो जाता है। जैसे 7 के लोग बहुत आगे बढ़ गए, या मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अभी इसको समझने में दिक्कत होती है मेरे को। योग्यता का मतलब है सही समझ सही भाव। तो हम कहीं आगे, कोई हमसे आगे बढ़ गया तो समझ में आगे बढ़ गया तो उसका आपको सुखी मिलेगा, बट यदि हम पैसे में देखें, पद में देखें,
नाम में देखें तो कोई आगे बढ़ गया तो इसको योग्यता नहीं कह रहे। योग्यता का मतलब है सही समझ सही भाव। तो अगर कोई आपसे आगे बढ़ गया उसे डिप्रेशन में क्यों जाएंगे, वो तो और अच्छी बात है। कोई अगर समझ में आगे बढ़ गया तो उसे समझेंगे, हम समझ में आगे बढ़ गए दूसरों को समझने में सहयोग करेंगे। जब हम योग्यता को अन्य चीजों में आंकना शुरू करते हैं तो परेशान होते हैं, सुविधा में आंकते हैं या शरीर से मिलने वाली संवेदना में आंकते हैं या दूसरे से मिलने वाले भाव में आंकते हैं, तब परेशान होते हैं। अदरवाइज सही समझ सही भाव के अर्थ में देखें इसमें क्यों डिप्रेस होंगे, सहज रूप से स्वीकार भी नहीं है, होते भी नहीं है। कोई अगर समझ गया तो हमको लगता है और अच्छी बात है, अब इससे हम भी समझेंगे और समाज भी समझेगा, इसमें तो और साह बढ़ता है अपना। तो योग्यता का मतलब है सही समझ सही भाव। ये जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसको ठीक ठीक अपने को समझने की जरूरत है। व्यवहार, कार्य है ना, योग्यता, चाहना। चाहना का मतलब इच्छा नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाए। योग्यता का मतलब सही समझ सही भाव है, कोई स्किल हो जाए ऐसा नहीं कह रहे। स्किल को भी देख सकते हैं, इनफैक्ट स्किल को सीखने में भी हमारे समझ और भाव का जरूर योगदान रहता है। अगर हम अपने आप पर शांत रहते हैं तब कोई स्किल ज्यादा अच्छे सीख पाते हैं। अगर हम व्याकुल रहते हैं, हमारा भाव निश्चित नहीं होता, विचार निश्चित नहीं होता, तो हम स्किल नहीं सीख पाते जल्दी कोई सा, हमें बहुत समय लगता है। तो अगर कोई स्किल सीख भी रहा है तो उसके पीछे कुछ समझ और भाव होगा जो काम कर रहा है, उसको भी हम देख पाते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। नहीं, अभी हम भी सुख को माने रहते हैं सुविधा में, सुख को माने रहते हैं पद में, सुख को माने रहते हैं यश में, नाम में, पहचान में, तो हम भी उसमें लगे हुए रहते हैं और परेशान रहते हैं। दूसरे को आगे निकलते हुए देखते हैं तो भी परेशान होते हैं, जबकि हमको दिखता है कि सुख का मतलब है सही समझ सही भाव, इसी से मेरा सुख है। ये जो बात हो रही निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, जिसके पिछले स्लाइड पर हमने लिखा था, तो निरंतर सुख बराबर ज्ञान और समाधान। अच्छा मैं जी, मेरा एक सवाल और है, मतलब एक आखिरी सवाल होगा ये मेरा। तो मुझे ये जानना है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको ना मोटिवेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, बिटिया को स्कूल ले जा रहा था तो बिटिया मुझसे कहे कि पापा चार मंजिला चढ़ना पड़ता है, पैर दर्द करने लगता है। तो मैं ना ज्ञान देने लगा, तो मैं उसको खुद स्कूल छोड़ने गया तो मैं भी चार मंजिल चढ़ा तो मेरा ही पैर दर्द करने लगा। तो मेरे को ना बड़ा दुख हुआ, तो मैंने शाम को उसे सॉरी बोला बच्चे से। मैंने कहा बेटा मैंने आपको बेकार में ज्ञान दिया, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब हम ऐसी बातें किसी को बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वहां पे वो सहज स्वीकृति का भाव नहीं आ पाता है। मतलब जैसे कोई कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो हो गई है कि भाई ये सहज स्वीकार है या नहीं है सहज रूप से। तो जब मोटिवेट करते हैं तब नहीं आ पाता है, तो वो लगता है बेकार है मोटिवेट किया इस काम के लिए। तो पहले उसका मूल्यांकन स्वयं तो करेंगे। अगर हम किसी कह रहे हैं कि चार मंजिल तक चढ़ जाओ आप, तो पहले खुद चढ़ के देखेंगे ना, ऐसे मोटिवेट कर देंगे। और मोटिवेट करना प्राइमरी पर्पज नहीं है, राइटली इवैल्यूएट करना है। तो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में अगर ऐसा है तो उसको करेंगे, अगर स्वास्थ्य के अर्थ में ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे। शरीर की क्षमता को भी देख पाएंगे, शरीर की क्षमता कितनी है। तो यंग व्यक्ति है, चार मंजिल चढ़ सकता है, अगर हम भी नहीं चढ़ पा रहे हैं है ना, और इस उम्र में, तो कुछ हमको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो बच्चा नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि शरीर कमजोर है, हम नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि हो सकता है हमारा वजन बढ़ गया है, तो दोनों तरफ कठिनाई है। तो बच्चे को बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं स्वस्थ आदमी चार मंजिला चढ़ सकता है ना, परंतु बच्चे का शरीर अभी उतना पुष्ट नहीं हुआ है, और यदि हम नहीं चढ़ पाए तो अपने स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। तो अभी ये अभी जो आपने मूल्यांकन किया ये भी ठीक नहीं है कि हमने उसको व्यर्थ का ज्ञान दिया। अभी ये सब भाषा भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले इस कार्य को करके अपना मूल्यांकन करेंगे कि हाँ ये कार्य उचित है नहीं है, ठीक है, इससे समृद्धि का भाव सुनिश्चित होता है कि नहीं, इससे स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है कि नहीं, पहले इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे दूसरे के साथ। मुद्दा राइट इवोल्यूशन का है, मोटिवेशन का नहीं है जी। हाँ, ये राइट इवोल्यूशन को समझने में समय लगेगा कि प्रैक्टिस नहीं है इसकी, मतलब करने की, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस कुछ अलग से कार्य करके नहीं होना है, ये जो स्वयं में ध्यान देना है ना, सजगता है, ये मुख्य मुद्दा है। कई बार क्या होता है कि हम या तो जैसे कोई बात सुन रहे हैं बट हमारे अंदर पहले से कोई विचार चल रहा है, तो विचार पे हमारा ध्यान चला जाता है, बात सुनने में नहीं आती, या हम जो बात कही जा रही है उसके में जो भाव है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और विचारों में ही एनालाइज करते रहते हैं, तो भी बात हमको पकड़ पे कई बार नहीं आती।
भाव के जो सर्ग होने की उन्होंने बात की अभ्यास एक में, उसको और थोड़ा पुष्ट करना है। तो इसको हम एक नियम बनाए, एक अभ्यास बनाए, किंतु दिन भर में अपने भाव के प्रति सजग रहना है, कम से कम 2 बार 3 बार बैठ कर ठीक से उसको ऑब्जर्व करना है, नहीं तो विचार विचार से चलेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है ठीक, बढ़िया जी, बढ़िया 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 भैया। हाँ नमस्ते भैया, मेरा क्वेश्चन इसी इसी स्लाइड से है बेटा सर, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए भैया। सीइंग थ्रू सेंसेशन, तो यहाँ पे हमने फॉर्म और वहाँ पे हमने लिखा बॉडी प्लस सेल्फ, तो फॉर्म शेप साइज डेंसिटी के लिए हम आईज ईयर्स जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ लिखा सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक यूनिट का दूसरे यूनिट पर इफेक्ट है, उसमें हमने यहाँ पे टेस्टिंग भी शामिल किया। तो सेंसेशन के तल पर भैया केवल बॉडी शामिल होगी या सेल्फ भी शामिल होगा यहाँ पे जो टेस्टिंग पार्ट है? टेस्टिंग कहाँ हो रहा है, सेल्फ में या बॉडी में? सेल्फ में हो रहा भैया। तो कैसे नहीं शामिल होगा? तो मतलब सेंसेशन को जो टेस्ट कर रहा है वो पार्ट हो गया। हाँ तो सेंसेशन आंखों का बॉडी, भी सेंसेशन बॉडी में है और उसको जो पार्ट टेस्टिंग वाला जो पार्ट है जो सेल्फ का पार्ट है जिसको हम मन बोल रहे हैं वहां पर टेस्टिंग हो रही है, तो वहां पर केवल हम कुछ सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को हम देख पा रहे हैं। जी और फिर सेकंड में दिया भी है कि जो हम रैशनल जहाँ ले रहे हैं वहां पर सेल्फ ही कर रहा है टेस्टिंग और एनालाइजिंग, तो ये हम वृत्ति के तल पे आ गए, तो यहाँ पर भी सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ और जो भी वो भी एक दूसरे यूनिट के ऊपर। यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या भैया कि यह हम एनालाइजिंग एड कर रहे हैं जो हम सेंसेशन के थ्रू जो हम देख रहे हैं बॉडी के थ्रू और उसमें फिर टेस्टिंग में गया सेल्फ में उसको फिर एनालाइज कर रहे हैं, उस पार्ट को हम प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं यहाँ पे भी। प्रॉपर्टी का मतलब है परस्परता में प्रभाव। जी तो जब आंखों से देख रहे हैं तो भी उसका पता लग रहा है एक सीमा तक, ठीक। और उसको बैठ के जब विश्लेषण करते हैं, हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं ऐसा कैसे हुआ होगा, तो जैसे हमने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया, परस्परता में प्रभाव पड़ा, तो जी बल्ब को हमने बुझा हुआ भी देखा और जलता हुआ भी देखा, दोनों तरह के रूप देखे आंखों में, तो रूप को तो देखा ही और हमने एक गुण के बारे में पहचान बनाई कि जब स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है। अब बैठ के जब एनालाइज करते हैं कि स्विच को दबाने से लाइट कैसे जल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से काम करती है ना, फ्लोरोसेंट बल्ब है तो ऐसे काम करता है, एलईडी बल्ब है तो ऐसे काम करता है, हैलोजन बल्ब है तो ऐसे काम करता है, अभी सब एनालाइज कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन अभी तक आया है टेस्टिंग में उसको हम बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ हो रहा है, रैशनल लेवल पे हो रहा है। जी जी भैया, तो फिर इसके आगे भी हम बढ़ते हैं तो सीइंग व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल, उसकी हम जहाँ उसके 3 तल पे बात कर रहे हैं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इनेटनेस और को एग्जिस्टेंस, तो इसमें कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन जो कि सेल्फ में हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन, मैंने यही क्वेश्चन गणेश सर को किया था कि हम जो देखने का काम कर रहे हैं तो अलग अलग तल पे उसका काम हो रहा है, हम कह रहे हैं कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक यानी इनेटनेस या को एग्जिस्टेंस को भी हम देख रहे हैं, तो हम जब भाव के तल के भाव को या विचार को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो सर ने बोला था कि यहाँ पर आपको दृष्टा भाव से देखना है, जैसे हम भाव को देख रहे हैं तो वहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है कई बार जो चर्चा में चल रहा है आपने भी एक्सप्लेन किया कि संबंध का भाव है या विरोध का भाव है, व्यवस्था का भाव है या अव्यवस्था का है, या संघर्ष का अस्तित्व है या संघर्ष है, तो जब हम भाव को देख रहे हैं तो वहां पर हम ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाव किस तरह का है। तो सर ने बोला कि नहीं यहाँ पर उल्टा हो गया, आपको दृष्टा पद में स्थापित होकर के इनको देखना है, ये जो प्रोसेस है कि भाव के तल पर संबंध है या विरोध है, व्यवस्था या व्यवस्था, या सहअस्तित्व है या संघर्ष, तो मैं इसको थोड़ा भाव के तल पर जब देखने की कोशिश कर रहा तो मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने अभी मंडे को क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने ये बताया कि ये आपका उल्टा हो गया, आपको दृष्टा पद से देखना है इनको, तो फिर दृष्टा पद क्लियर ही नहीं होता भैया, क्योंकि जो आप बता रहे हैं ये सीइंग रैशनल और सेंसेशन वहां तक तो क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो भाव के तल पर जब हम देखने लगते हैं तो ये देखना आसान होता है कि संबंध है या विरोध है, व्यवस्था है या व्यवस्था है, या सहअस्तित्व या संघर्ष है, लेकिन दृष्टा पद में स्थित होकर के इसको देखना है, उन्होंने बोला कि ये तो उल्टा हो गया, थोड़ा सा भैया इसको क्लियर नहीं हुआ मुझे। जी तो अगर आपके अंदर विकल्प बना हुआ है कि संबंध भी हो सकता है विरोध भी हो सकता है, तो अभी आप ब्लॉक B2 में ही है,
जब लॉग वी वन से देखते हैं तो संबंध दिखाई देता है। तो अभी हम जहां से देखना शुरू करते हैं तो उसमें तो अभी भाव में सब कुछ मिक्सडअप है, कभी संबंध कभी विरोध कभी ये कभी वो, है ना, ये सारा मिक्सडअप है। परंतु जब हम शुद्ध दृष्टा की तरह देखते हैं तो जो वास्तविकता है वैसा ही देखते हैं, तो जो चिंतन की क्रिया है अगर वहां से हम देखते हैं तो संबंध ही दिखाई देता है, विरोध नहीं दिखाई देता। चित्रण तक विरोध दिख रहा है, विरोध हो सकता है, संबंध भी हो सकता है, अगला मुझे दुखी भी करना चाहता हो सकता है, दूसरा मुझे सुखी भी करना चाह रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, हम दोनों विकल्प पे चल रहे हैं। बट जब हम वास्तविकता को जैसा वैसा देख पाते हैं तो दिखता है कि नहीं, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, मैं अभी तक नहीं देख पा रहा था। तो ब्लॉक बी वन में फिर ये द्वंद्व नहीं है, उलझन नहीं है। तो जब हम शुद्ध दृष्टा की तरह देख रहे हैं, चिंतन बोध अनुभव के स्तर पर देख रहे हैं, तो संबंध ही दिखाई देगा, क्योंकि विरोध तो है ही नहीं अस्तित्व में, व्यवस्था ही दिखाई देगी, क्योंकि अव्यवस्था तो है नहीं, सहसित तो ही दिखाई देगा क्योंकि संघर्ष तो है नहीं। ये सब हमने मान लिया है, विरोध मान लिया है, अव्यवस्था मान लिया है, संघर्ष मान लिया है। लेकिन भैया अभी जैसे हमारा अगर बी टू ब्लॉक ही एक्टिव है तो हम तो बी टू ब्लॉक से ही देख पाएंगे, तो फिर जो आप ये जो बोला जा रहा है कि दृष्टा पद से देख पाए, बी टू ब्लॉक में ही अभी आप एक्टिव हो तो ठीक है, बट देखने का आप प्रयास तो आप कर रहे हैं ना, इस क्षण भी जो आप सहज स्वीकृति के आधार पर जांचने का प्रयास कर रहे हैं, तो एफर्ट तो ये कि ब्लॉक बी वन से देखें, अदरवाइज ऊपर पहुंचेंगे कैसे। तो भैया ब्लॉक बी वन जब एक्टिव नहीं है तो ब्लॉक बी वन से कैसे देखेंगे, या जैसे मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि क्योंकि काफी समय से ये और भी परंपरा में दृष्टा साक्षी वर्ड यूज हुआ है। अभी अपने बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो भैया दृष्टा पद में स्थापित होकर देखने मतलब क्या है दृष्टा पद, वही सहज स्वीकृति आपके अंदर है कि नहीं। हाँ, सहज स्वीकृति और मान्यता दोनों चीजें हैं, इसको हम देख पाते हैं भैया। सहज स्वीकृति कहाँ है, ब्लॉक बी टू में है, ब्लॉक बी वन में है? नहीं, जो प्रपोजल है उसमें तो ब्लॉक बी वन में दिया हुआ, लेकिन हम जब देखते हैं तो दोनों तरह के भाव दिखाई देते हैं। तो आपको सहज चाहिए, आपको सहज स्वीकृति दिखाई देती है कि नहीं? हाँ, जैसे संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है, विरोध में होते तो अंदर बेचैनी होती है, हम खुद ही अंदर से परेशान होते हैं। तो ये सहज संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है, ये आपको कैसे दिखता है, ब्लॉक बी टू से दिखता है, ब्लॉक बी वन से दिखता है? ये भाव में लयबद्धता दिखती है उसी तो उसको हम सहज स्वीकृति बोल रहे हैं, और कभी कभी लयबद्धता नहीं रहती तो उसको हम विरोध बोल रहे हैं, जो सहज स्वीकृति नहीं है, और उसका कारण मान्यता या संवेदना हो सकता है। ऐसा नहीं है, तो लयबद्ध हो या ना हो, आपके भाव में लयबद्धता हो या ना हो, विचार में लयबद्धता हो या ना हो, सहज स्वीकृति तो बनी हुई है ना। तो भाव विचार में लयबद्धता को सहज स्वीकृति कह रहे हैं, ऐसा नहीं, सहज स्वीकृति तो आपके अंदर बनी हुई है निरंतर, आपके भाव विचार में भले जितना भी अंतर विरोध हो, तो अभी भी आप कह पाते हैं मैं सुखी होना चाहता हूँ, भले ही सुखी नहीं है, भले ही आस्वादन में जी रहे हैं, मान्यताओं में जी रहे हैं, बट कह पाते हैं ना कि सुखी होना चाहता हूँ, कैसे कह पा रहे हैं? मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ, कैसे कह पा रहे हैं? तो जो संबंध है, व्यवस्था है, सहित्व है, मुझमें पहले से रिफ्लेक्टेड है। कहाँ रिफ्लेक्टेड है? ब्लॉक जीवन में रिफ्लेक्टेड है, वो जो रिफ्लेक्शन है मुझे सहज स्वीकृति के रूप में दिखाई देता है। इसलिए जब जब मैं रेफर करता हूँ मैं ब्लॉक बी वन से ही देखने का प्रयास करता हूँ, पूरा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि अभी जागृत नहीं हुआ हूँ। तो ब्लॉक बी टू में एक्टिव होते हुए भी ब्लॉक बी वन से हम देखने का तो प्रयास कर ही रहे ना, तभी तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। वेरीफाई ब्लॉक बी टू तो होगा नहीं, वेरीफाई तो जब भी होगा ब्लॉक बी वन में होगा, और इस प्रोसेस में हम ब्लॉक बी वन को एक्टिवेट करते जाते हैं। तो भैया जो हम अभी जो देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से भी प्रपोजल के पहले भी व्यवस्था में रहना या व्यवस्था में सहयोग करने का तो एक समझ के तल पर बन जाता है, विचार और भाव के तल पर भी बनती है चीजें, क्योंकि जिसका भाव स्ट्रोंग है या विचार में भी एनालाइजिंग में आ रहा है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, और ये जो प्रकृति है ये आपके सुखी होने में सहायक हैं, तो जो लोग इस प्रोसेस में नहीं है वो भी व्यवस्था को बनाने में मदद करते हैं, तो वो पार्ट तो अपना जो विचार और भाव है वहां से भी हो रहा है, पार्टिसिपेशन तो भाव के स्तर पे भी हो रहा है, विचार के स्तर पे भी हो रहा है, संस्कृति के स्तर पे भी हो रहा है। तो प्रकृति हमारे में सहायक भी, ये मुद्दा नहीं है। आप चाहते क्या है,
ये मुद्दा है, सह स्वीकृति तब दिखाई देती है जब मैं अपनी चाहना को पूछता हूँ, अपनी चाहना को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। प्रकृति के बारे में तो अभी माने बैठे हैं कुछ, है ना, तो फलों से पेड़ों से फल मिल जा रहा है तो हम बड़े खुश हुए और हमने पेड़ को भी चैतन्य मान लिया। तो मानने में तो कुछ भी हो सकता है कि देखो कितना उदार है ये प्रकृति, कितनी उदार है ये पेड़, कितना उदार है ये पेड़, है ना, फल दिया जा रहा है। तो अभी तो हम ये सब मानने में कर रहे हैं, अपनी चाहना को देख पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है ना, अभी हम लोग का विचार करने का अभ्यास बहुत गहरा हो जाता है, तो जो सह स्वीकृति की ओर ध्यान देना है वो हमारे से स्लिप हो जाता है कई बार। अपनी चाहना को देखते जाए तो काम बहुत आसान है, हर क्षण में पूछे मैं चाहता क्या हूं। जी भैया, तो ये सह स्वीकृति को ही हम दृष्टा पद बोल रहे हैं, सह स्वीकृति को देख पाना दृष्टा पद है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, कुछ और हैंड्स ले दो, उसको और प्रश्न करेंगे लेंगे उसके ऊपर। जी, तो ये जो बात हुई संबंध व्यवस्था सहसित स्वभाव धर्म परम धर्म, इसको अगर हम विस्तार में देखने जाते हैं तो प्रकृति की चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इन चारों अवस्थाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो एक अवस्था है पदार्थ अवस्था, इसमें इकाई रूप में देखें तो मिट्टी, पानी, हवा, धातु, अधातु, इस तरह की इकाइयां हैं। इसमें अगर हम क्रिया को देखते हैं तो क्रिया में दिखाई देता है कि रचना विरचना हो रही है। तो अल्टीमेटली इन इकाइयों में दो ही तरह की क्रिया हो रही है, रचना हो रही है या विरचना हो रही है। जैसे ईंट के ऊपर ईंट जोड़ दिया तो मकान बन गया, एक रचना हो गई। मकान टूट के गिर गया, विरचित हो गया। ईंट कैसे बना, पहले हमने मिट्टी को विरचित किया, मिट्टी को तोड़ा, तोड़कर उसको पकाया सांचे में ढालकर, तो ईंट बना। ईंट बनना रचना है, मिट्टी काटा हमने वो भी रचना है। तो पूरे पदार्थ अवस्था में देखेंगे है ना, तो यही हो रहा है। ये मोबाइल है एक रचना है, बट मोबाइल को बनाने के लिए बहुत सारी इकाइयों को विरचित किया गया पहले, फिर उनको आपस में रचित किया गया, फिर कुछ समय बाद ही मोबाइल खराब हो जाता है, टूट फूट हो जाता है। कैसे हो जाता है, अंदर का जो इकाइयां हैं वो विरचित हो गई, अब इसमें सिग्नल नहीं आता, अब इसमें है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, इसका जो मदरबोर्ड है वो बिगड़ गया है। तो क्या हो गया, विरचित हो गया। तो अल्टीमेटली पूरी पूरी पदार्थ अवस्था में देखें तो ये दो ही तरह की क्रिया हो रही है, रचना और विरचना। इसके अगर हम धारणा यानी धर्म यानी इनेटनेस यानी व्यवस्था, चारों एक ही शब्द हैं, इसको देखें तो दिखता है कि ये अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब क्या हुआ कि बना रहेगा। जैसे ये मोबाइल जिन अणु परमाणुओं से मिलकर बना है वो बने रहेंगे, चाहे मोबाइल का हिस्सा रहे, चाहे मिट्टी का हिस्सा बन जाए, चाहे हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, बने रहेंगे। तो पदार्थ अवस्था की हर इकाई बनी रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है, उसका क्षय नहीं होता, लोप नहीं होता। तो ये उसका उसकी स्वयं में व्यवस्था है। और इसकी भागीदारी को देखें तो संगठन विघटन के रूप में दिखाई देता है। तो रचना विरचना के आधार पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो कोई बड़ी इकाई बन रही है या बड़ी इकाई टूट कर छोटी इकाइयां बन जा रही है। तो इसमें जितने भी तरह के एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर मोबाइल बना है, बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं जिससे मिलकर मोबाइल बना है। तो मोबाइल बना मतलब क्या हुआ, संगठित हुआ। मोबाइल हाथ से छूट के गिर जाए नीचे या खराब हो जाए 3 साल 4 साल बाद, ठीक, और ये डंप कर दिया जाए तो क्या हो गया, विघटित हो गया, टूट के छोटी छोटी इकाइयों में बदल गया। मकान है बड़ी इकाई है, मकान टूट के गिर गया तो छोटी छोटी इकाइयों में विघटित हो गया। तो ये उसका स्वभाव है। और अनुसंगीता में देखें तो परिणाम अनुसंगी है। परिणाम मतलब जैसी रचना बनी वैसा आचरण। तो देखिए मोबाइल जो है इसकी एक बढ़िया रचना बन गई है, बढ़िया काम कर रहा है, इसका स्क्रीन भी काम कर रहा है, इसमें बोल रहा हूँ आवाज भी दूर तक पहुंच रही है कि नहीं, सिग्नल भी ठीक से कैच कर रहा है, तो परिणाम ऐसा है अभी। तो रचना के आधार पे जो तैयार हुआ वो परिणाम है, तो उस परिणाम का अनुसंगी है। तो जब जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ऐसा एक रचना बनाया जाएगा जो मोबाइल की तरह काम करेगा,
तो उसमें उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। अनुसंगीयता है ये, है ना, इसका अनुसंगी है वो। जब जब जैसे हजारों मोबाइल बन रहे हैं, सब में उसी तरह की रचना बनाई जा रही है तो काम कर रहा है। पहले कीपैड फोन आते थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उसमें इस तरह का रूप दिखाई नहीं देता था जैसा अभी स्क्रीन पर रूप दिखाई दे रहा है। तो वैसा परिणाम तो वैसा आचरण, ऐसा परिणाम ऐसा आचरण। मकान हमने ईंट का बनाया तो एक तरह का परिणाम है, उसका वैसा ही आचरण है। मिट्टी का बनाए वैसा ही आचरण है, घास फूस का बनाए वैसा ही आचरण है। तो जैसा परिणाम वैसा आचरण, ये परिणामानुसंगी होना हुआ। प्राणावस्था को देखें तो इसमें इकाइयों के रूप में पेड़ पौधे हैं। क्रिया के रूप में देखें तो इसमें रचना विरचना तो हो ही रही है। जैसे पेड़ पौधों में देखें, छोटा सा बीज था, बीज से है ना सैपलिंग निकला, अंकुरित हुआ, फिर वो पौधा बना, फिर वृक्ष बना, जटाएं फैल गई उसकी, तो क्या हो रहा है, रचना विरचना तो हो ही रही ना। और उसमें भी एक हिस्सा टूट के नीचे गिर जा रहा है, पत्ता का भी नीचे गिर रहा है, छाल सूख कर नीचे गिर रहा है, तो विरचित भी हो रहा है। तो रचना विरचना तो हो ही रही है, साथ में श्वसन प्रश्वसन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हवा को लेना और छोड़ना हो रहा है। अब इसके आधार पर समय व्यवस्था क्या बनी हुई है, तो एक तो अस्तित्व बना हुआ है, तो जिन परमाणुओं से जिन अणुओं से मिलकर पेड़ बना है उनका अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वो पेड़ के हिस्सा रहे या मिट्टी का हिस्सा बन जाए, हवा का हिस्सा बन जाए, पानी का हिस्सा बन जाए, अस्तित्व में बने ही रहेंगे। और जब तक पेड़ के हिस्से हैं ये ग्रो करते रहेंगे, इनमें वृद्धि होती रहेगी, पुष्टि होती रहेगी। तो जब तक प्राण है पुष्टि होती रहेगी, उसी का छाल टूट गया, छाल सूख गया, उसमें प्राण चला गया तो टूट के नीचे गिर गया, पत्ती में प्राण नहीं रहा, हरा पत्ता था पीला हो गया, पीला से भूरा हो गया, है ना, अब टूट के नीचे गिर गया, प्राण नहीं रहा तो उसकी पुष्टि रुक गई। बट जब तक प्राण है पुष्टि बनी रहेगी। तो स्वयं व्यवस्था का मतलब कि इस इकाई में, इस अवस्था की इस इकाई में वो चीज अनवरत ढंग से जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं हो सकती, ये उससे अलग नहीं हो सकती। तो प्राण है पुष्टि होती रहेगी, तो इसमें अस्तित्व भी है और पुष्टि भी है। भागीदारी के रूप में देखें तो क्या दिख रहा है, सारक मारक, इस पर पहले भी थोड़ी बात हुई। तो प्राणावस्था की एक इकाई प्राणावस्था की दूसरी इकाई के लिए या तो सारक होती है या मारक होती है। तो हम सारक मारक वगैरह देखें तो चार प्रकार से निर्वाह दिखाई देगा, सारक सारक, सारक मारक, मारक सारक, मारक मारक, इसी प्रकार से भागीदारी दिखाई देती है ना। तो एक इकाई दूसरी इकाई को पुष्ट कर रही है, इस प्रक्रिया में पहली इकाई भी पुष्ट हो रही है, दूसरी इकाई भी पुष्ट हो रही है। तो सारक सारक, पहली इकाई तो पुष्ट हो रही है, दूसरी इकाई शुष्क हो रही है, सूख रही है, यानी पहली इकाई ग्रो कर रही है, दूसरी इकाई उसका जो रस है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे वो सूखती जा रही है। तो मारक हो गया दूसरी इकाई के लिए। पहली इकाई जो है ना वो धीरे धीरे सूख रही है, दूसरी इकाई पुष्ट हो रही है, तो ये मारक और सारक हो गया। और दोनों इकाइयां शुष्क हो रही हैं तो मारक और मारक हो गया। तो इस प्रकार से हमको संबंध का निर्वाह दिखाई देगा प्राणावस्था में। तो जैसे हमने कोई भोजन लिया, वो पेट में गया और पेट में जाकर हमने उसको पचा लिया, उसके रस को हमने सोख लिया और हमारा शरीर पुष्ट हो गया। तो मेरे शरीर के लिए तो वो पालक या सब्जी जो हमने खाया वो सारक हुआ, और मेरा शरीर उसके लिए मारक हो गया कि नहीं। शरीर के अंगों को देखें तो शरीर का एक अंग दूसरे अंग को पुष्ट कर रहा है, तो शरीर का ये अंग भी प्राणावस्था की इकाई है, दूसरा अंग भी प्राणावस्था की इकाई। जैसे मेरा जो हृदय है वो भी प्राणावस्था की इकाई है, जो पेट है वो भी प्राणावस्था की इकाई है। हृदय पेट को पुष्ट कर रहा है, पेट हृदय को पुष्ट कर रहा है, सारक सारक है। पौधे में भी पत्तियां जो है तना को पुष्ट कर रही है, तना पत्ती को पुष्ट कर रहा है, सारक सारक है। तो जब दोनों एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हैं तो सारक सारक है, एक पुष्ट हो रहा है दूसरा सूख रहा है, तो सारक मारक है। हमने पालक ना खा के धतूरा खा लिया ना, या चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, पेट में कीड़े पल रहे हैं, अमीबा हो गया पेट में, है ना, पेट में कहीं कीड़े बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कीड़ा जो है हमारे पेट को अस्वस्थ कर रहा है, हमारा शरीर सूख रहा है, बट मेरे शरीर से रस को लेकर वो कीड़ा जो है पुष्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, अगर पेट में कीड़े पैदा हो गए
तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा शरीर सूख रहा है बट वो कीड़े जो है पुष्ट हो रहे हैं, तो ये मारक सारक हो गया। और हमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, धतूरा खा लिया फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज खा ली जो पॉइजनस है बॉडी के लिए, तो शरीर ने उसके रस को सोखा तो मारक हुआ शरीर उसके लिए, और शरीर भी सूख गया प्रोसेस में क्योंकि वो उल्टा पुल्टा भोजन था, तो मारक मारक हो गया। इस चार प्रकार से सारक मारक संबंध का निर्वाह होता है। तो यह संगठन विघटन तो हो ही रहा है, इकाई संगठित हो रही है या विघटित हो रही है ये तो हो ही रहा है, साथ में कैसे रस के आदान प्रदान से पुष्ट हो रहा है या शुष्क हो रहा है ये भी हो रहा है, तो ये भागीदारी है, व्यवस्था में भागीदारी है। तो एक प्राणावस्था की इकाई दूसरे प्राणावस्था की इकाई के साथ ऐसी भागीदार होती है। ये बात स्पष्ट हो गई, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें अनुसंगीयता को देखेंगे तो बीज अनुसंगी है, यानी जैसा बीज वैसा आचरण। तो आप पाएंगे कि पौधा है ना, कई प्रकार के पौधे हैं, घास का बीज है उससे घास ही पैदा होता है, घास की तरह आचरण करता है। कोई ना सब्जी हमने लगाई, भिंडी लगाई, भिंडी का बीज है, भिंडी का पौधा निकला, भिंडी का फल निकला है ना, वैसा ही उसका आचरण होता है। नीम है, नीम का पेड़ तैयार हुआ, पपीता, पपीता का पेड़ तैयार हुआ, वट वृक्ष है, छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो गया। तो अनुसंगीयता किस बात की है, बीज, उस बीज में उस वृक्ष का सारा गुण समाया हुआ है, यानी जैसा बीज है वैसा ही वो वृक्ष तैयार होगा और वैसे ही गुणों को प्रदर्शित करेगा, तो बीजानुसंगी है। अब अगर हम जीवों को देखें, पशु पक्षी को देखें, जीवों को देखें, पशु पक्षी को देखें, तो वहां पे अगर हम क्रिया के रूप में देखें तो दिखता है कि दो तरह की वास्तविकता है, एक मैं और एक शरीर। तो शरीर वैसे ही जैसे पेड़ पौधे, उसमें भी देखें तो रचना विरचना हो रही है और श्वसन प्रश्वसन हो रहा है। मैं में क्रिया के रूप में देखें तो प्राइमरली जो क्रिया काम कर रही है, जो विकास की स्थिति दिखाई देती है, वो चयन आस्वादन तक है, तो मैं में चयन आस्वादन हो रहा है, तो मैं में कुछ आस्वादन हो रहा है। हमने ना एक कुत्ते के बच्चे को लाया और उसको नाम दिया कुछ एक्स वाई जेड, बुलाते हैं एक्स वाई जेड, वो दौड़ कर आता है, तो पहले नहीं आ रहा था, आने लगा कि मानने की क्रिया है। उसको हमने खिलाया पिलाया, उसको गोद में बैठाया, उसको पूरा पुचकारा दुलारा, तो उसे वो पहचान लिया। तो आस्वादन जैसे ही पहुंचता है एक्स वाई जेड नाम का, वैसे ही वो दौड़ कर हमारे पास आता है, चयन करता है कि दौड़ के जाना है। कोई गेट के बाहर से एक्स वाई जेड कह देता है वो भौंकता है, तो वहां पे चयन क्या है, वो भौंक रहा है। यहाँ चयन क्या है, आके गोद में बैठ जाता है, उसको गोद में बैठा कर आप साथ थोड़ा कान भी ऐंठ दीजिए तो भी कुछ कहता नहीं है, भौंकता नहीं है कि नहीं, क्योंकि उसकी एक स्वीकृति बन गई एक प्रकार से। तो चयन असाधन क्रिया दिखाई देती है। अगर स्वयं में व्यवस्था को देखें तो शरीर की व्यवस्था वैसे ही जैसे पेड़ पौधे, वहां पे भी अस्तित्व है और पुष्टि है, जैसे देखें तो पुष्ट हो रहा है, एक छोटा सा पप्पी था, पप्पी से बड़ा एक बुलडॉग बन गया, वो पुष्टि तो हो ही रही है। और उसके शरीर के एक एक जो इकाई है, एक एक अणुपरमाणु है, वो अस्तित्व में बने रहेंगे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेंगे, शरीर है तो भी है, जब शरीर ये नहीं था तो भी थे, तो सारी इकाइयां जिनसे शरीर बना हुआ है वो थे है और रहेंगे, वही है ना, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं में देखें तो जीने की आशा है, तो जीना चाहता है, और जीना तो समझता नहीं होता क्या है, तो अल्टीमेटली देखें तो मैं और शरीर को बनाए रखना चाहता है, यही जीने की आशा के रूप में दिखाई देता है। उस क्रम में वो भोजन भी लेता है, शरीर को बचाता भी है ठंड गर्मी से, है ना, कोई दूसरा आक्रमण करता है तो भी बचाता है, जीने की आशा बनी हुई है कि शरीर के साथ बने रहे, ये आशा बनी हुई है। चयन आस्वादन कहाँ है, आशा में है, तो मैं में जीने की आशा दिखाई देती है। स्वभाव के रूप में देखें तो क्रूरता या अक्रूरता, तो शरीर का स्वभाव वैसे जैसे पेड़ पौधों का स्वभाव, सारक मारक भी है, संगठन विघटन भी है। मैं में देखें तो क्रूरता है और अक्रूरता है, तो कुछ जीवों में मैं जो है वो क्रूर दिखाई देगा, शेर बाघ चीता ये सब क्रूर दिखाई देंगे, कुछ अक्रूर दिखाई देंगे, हिरण गाय खरगोश चूहा
ये सब भय में जीने वाले जो है ना, अधिकतर वो सब अक्रूर दिखाई देंगे। तो दो ही तरह का है आचरण, क्रूर और अक्रूर। अगर अनुसंगीयता में देखें तो वंशानुसंगीय, जैसा वंश वैसा आचरण। तो क्रूर वंश का है तो क्रूर आचरण करेगा, अक्रूर वंश का है अक्रूर आचरण करेगा। इससे ये भी बात समझ में आएगी आपको कि बेसिकली शरीर का प्रभाव इसमें ज्यादा है। तो मैं वही हो परंतु यदि क्रूर वंश में चला गया है तो क्रूरता करेगा, अक्रूर वंश में चला गया है तो अक्रूरता करेगा। तो हाथी है अक्रूर है, शेर है क्रूर है। हाथी का शरीर ले लिया, हाथी के वंश में आ गया तो एक तरह से आचरण करेगा, शेर के वंश में आ गया अलग तरह से आचरण करेगा। मानव की बात करें, हम अपनी बात करें, तो क्रिया के रूप में हमें दिख ही रहा है कि शरीर में रचना विरचना भी हो रही है, श्वसन प्रश्वसन भी हो रहा है। मैं भी देखे क्रियाओं के रूप में तो इच्छा है, विचार है, आशा है, ब्लॉक बी टू पे काम कर रहे हैं और ब्लॉक बी वन की हमारे अंदर पोटेंशियल है एक्टिवेट होने की, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग का पोटेंशियल है। अगर हम स्वयं व्यवस्था को देखें तो शरीर की व्यवस्था वैसी है जैसे पशु शरीर की व्यवस्था, जैसे पेड़ पौधों की व्यवस्था। तो अस्तित्व है और पुष्टि है। तो हमारा शरीर जिन अणु परमाणु से मिला है, इस शरीर के पैदा होने के पहले से भी वो बने हुए थे। शरीर में आज के दिन है, जब ये शरीर छूट जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा तो भी बने रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, हवा में रहेंगे, पानी में रहेंगे, उनका अस्तित्व बना हुआ है। मैं देखें सिर्फ जीने की आशा नहीं है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है। तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं। पशु का काम जीने भर से चल जाता है, शरीर को बचा के रख लिया तो काम चल जाता है, रोटी फेंक के दे दिया तो भी खा लेता है, भूख लगी है। हमको अगर कोई रोटी फेंक के दे और खाना पड़े तो प्रश्न तैयार होते हैं कि यही जीवन है, इसीलिए पैदा हुए हैं, ऐसे मर जाएंगे क्या, यही करने के लिए क्या इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना सम्मान पूर्वक जिया जाए। तो हमारे अंदर ढेर सारी कल्पनाशीलता चलती है, कहीं जिसने रोटी फेंक के दे दिया उसके प्रति बदले की भावना आ गई तो निर्णय ले लिया, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि इसको ऐसी फेंक के रोटी दूंगा, उसको खाने को मजबूर करूंगा। तो हमारे अंदर देखें तो कल्पनाशीलता बहुत फैली हुई है, इच्छा भी है, विचार भी है, आशा भी है, और चाहने के रूप में देखें तो निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो हम इस आशा से जुड़े हुए हैं, ये हमारे अंदर बनी हुई है, मानव के रूप में है तो हमारे अंदर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा बनी ही रहती है। और क्रिया के रूप में देखें तो हमारे अंदर राइट फीलिंग, मतलब ये इसके पूर्ति के रूप में देखें तो सही भाव सही विचार से पूरा होता है, सही भाव सही विचार ज्ञान से पूरा होता है, सही समझ से पूरा होता है। स्वभाव के रूप में देखें तो मानव में अगर हम स्वभाव के रूप में देखें तो हमें स्वीकार होता है, जो भागीदारी स्वीकार होती है वह धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा इस रूप में दिखाई देता है। इस पे हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, चूंकि ये चार्ट सामने है तो संक्षेप में बात कर लेते हैं। तो धीरता का मतलब कि जब मुझे अपने आप में समाधान दिखाई देता है, मैं ज्ञान समाधान संपन्न होता हूं तो मैं धीर होता हूं, यानी हर बार मैं व्यवस्था के अर्थ में ही विचार करता हूं। ऐसा नहीं कि सीमा तक तो ठीक है, संबंध ठीक है, इसके आगे तो विरोध ही चलेगा, है ना, अभी ऐसे विचार करते हैं, वह जहां तक समझ ले समझ ले, नहीं तो फिर समझा ही देंगे, मार डंडा मार हथियार, है ना, समझाई देंगे इसको। तो ये धीरता नहीं है। तो हम एक पॉइंट तक तो संबंध पूर्वक विचार करते हैं, उसके बाद हम विरोध पूर्वक करने लगते हैं। जब धीरता होती है हमारे में तो हम हर बार संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक ही विचार करते हैं, यानी हमारे पास समाधान है तो हर बार उसी अर्थ में विचार करेंगे, उसी अर्थ में कल्पना करेंगे। तो ये धीरता है। वीरता का मतलब कि दूसरे के अंदर भी यही भाव विचार समझ ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, समाधान सुनिश्चित हो जाए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, ये वीरता है। तो संबंध में देखें तो हमारे अंदर इस बात की वीरता होती है कि हमको दूसरे व्यक्ति को समाधानित करना है, इसकी तत्परता होती है, निष्ठा होती है, इसलिए तैयारी करते हैं, ये वीरता है। उदारता का मतलब इसमें हम अपना तन मन धन सब लगाने को तैयार रहते हैं, लगाते भी हैं। जैसे अभी भी देखिए तो जिन लोगों को बात समझ में आ रही है, अपना समय लगा रहे हैं, सब भागीता कर रहे हैं, और भी बहुत तरह से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं। कई साथी हैं अपने में से हर दिन 4 से 6 घंटे लगा रहे हैं ताकि व्यवस्था बने, शिक्षा व्यवस्थित हो जाए।
की उदारता है, इसमें और दिखाई देता है कि दया। तो दया का मतलब कि किसी के पास पात्रता है, वस्तु नहीं है, उसको मैं उपलब्ध कराता हूँ, ये दया है। कुछ समझना चाहता है, समझने की वस्तु नहीं है, तो हमने समझने की वस्तु उपलब्ध कराई, ये दया है। वैसे अगर और दूसरे तरह की एग्जाम्पल लें तो किसी को भूख है, भोजन दे दिया, ये दया है। कृपा का मतलब उसके पास वस्तु पहले से है परंतु पात्रता नहीं है, पात्रता को जो विकसित कर रहे हैं इसको कृपा का। तो जैसे किसी के पास सही प्रस्ताव पहुंचा हुआ है, ज्ञान की वस्तु पहुंची हुई है, परंतु उसके अंदर जिज्ञासा नहीं समझने की, उसको नहीं लगता कि ये सब समझ के मैं सुखी हो सकता हूँ, तो जिज्ञासा को डेवलप करते हैं, भाई सुखी होना चाहते हो कि नहीं, हाँ, संबंध पूरा जीना चाहते हो कि नहीं, हाँ, परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में जाता है कि संबंध के अभाव में जाता है, व्यक्ति कहते हैं भाई संबंध के अभाव में जाता है, मेहनत कहाँ कर रहे हैं तो सुविधा के लिए, हाँ ये बात तो ठीक है, संबंध के लिए मेहनत करना है ना, समझ के लिए मेहनत करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जिज्ञासा विकसित हो रही है, ध्यान जा रहा है, वस्तु है उसको, है ना, अब ध्यान पूर्वक हम समझ पा रहे हैं, तो ये कृपा है। और करुणा का मतलब कि न वस्तु है न पात्रता है, दोनों को विकसित किया जा रहा है, ये करुणा है। तो हम जब अपने स्वभाव को देखते हैं, अपने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, अपने अंदर संबंध के जो स्वीकृति है उसको देखते हैं, तो ये छह भाव दिखाई देते हैं, धीरता, वीरता, उदारता, इसी को मानव स्वभाव का, मानव चेतना में जीते हैं तो ऐसे जीते हैं, है ना, जीव चेतना में जीते हैं तो दीनता, हीनता, क्रूरता, ये सब दिखाई देता है जो हमारा स्वभाव नहीं है। अनुसंगीता के रूप में देखें तो हम शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, हमारा जो आचरण है शिक्षा संस्कार से तय होता है। जी प्रश्न है उदारता को फिर से रखने का, उदारता मतलब कि जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, समाधान होता है, हमें संबंध दिखता है, व्यवस्था दिखती है, हमें सार्वभौम व्यवस्था में अपनी भागीदारी दिखती है, मानवीय परंपरा में अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी दिखती है, तो हम अपना तन मन धन लगाते हैं ताकि अखंड समाज सुनिश्चित हो जाए, सार्वभौम व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, इसको उदारता का। तो हमारी जो अनुसंगीयता है वो शिक्षा संस्कार के आधार पर, जैसा शिक्षा संस्कार वैसा हमारा आचरण, परिवार में सही संस्कार मिले, बाहर स्कूल कॉलेज गए वहां सही संस्कार मिले, सही शिक्षा मिले, वातावरण वैसा मिले, तो उसी का अनुसंगी हो जाते हैं। परिवार में सही संस्कार ना मिले, फॉर्मल एजुकेशन में सही शिक्षा ना मिले, वातावरण सब उल्टा पुल्टा चले, तो उसके अनुसंगी हो जाते हैं। तो हमारी जो अनुसंगीयता है वो शरीर से तय नहीं होती, है ना, शिक्षा संस्कार से तय होती है। तो जीवों में देखें तो शरीर डोमिनेंट है, मानव में देखें तो मैं डोमिनेंट, तो मैं से तय होता है आचरण, शरीर से तय नहीं होता। तो जो जीव है उनका अगर शरीर वैसा है क्रूर वाला, दांत लंबे लंबे, पंजे लंबे लंबे, नाखून लंबे लंबे, आंतें छोटी, है ना, पूरे शरीर की बनावट वैसी है, तो वैसा ही आचरण होता है। हमारे शरीर को देखें तो उसका रोल डोमिनेंट नहीं है, हम चाहे नाटे हो, छोटे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, है ना, शरीर का प्रभाव ज्यादा नहीं, मैं का प्रभाव। ये धीरता, वीरता, उदारता इसी मानव में हो सकती है, शरीर के बनावट चाहे जैसे भी। तो ये हमारा हमारी अनुसंगीयता है। जी अभी क्रूएल एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर प्रिमिटिव, अभी तो उसकी बात ही नहीं हो रही, जिस पे बात हो रही है उसको समझ लेते हैं, प्रिमिटिव पे तो उन्होंने बात नहीं किया अभी। जी तो इतनी बात हमको दिखाई देती है। अभी अगर हमको धर्म दिख जाए, स्वभाव दिख जाए, यही हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होना हुआ, तो हम चिंतन के स्तर पर स्वभाव को देख पाते हैं, बोध के स्तर पर धर्म को देख पाते हैं, स्वयं में व्यवस्था को, धारणा को देख पाते हैं। तो ये जो चिंतन और बोध को जागृत करने की बात है, है ना, वो इसी को देखने की बात है। तो चार अवस्थाओं का, है ना,
हमने धारणा यानी स्वयं व्यवस्था को देख लिया, चार अवस्थाओं का हमने भागीदारी को देख लिया, तो आठ मुद्दे हो गए। और इन सारी इकाइयों का हमने शून्य में संपृक्तता को देख लिया, सहस्तित्व को देख लिया, तो ये नौ मुद्दे हो गए। फिर चारों अवस्था संपृक्त है, ये हमको सहज रूप से दिख जाए, यही करने का काम है जी। भैया एक बार क्लिक करिएगा। तो हम शिक्षा संस्कार अनुसंगी हैं, तो शिक्षा संस्कार प्रक्रिया के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है, समाधान सुनिश्चित होता है, और उससे हमारे निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा पूरी होती है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी अगली परंपरा में जाती है, अगली पीढ़ी में जाती है, परंपरा बन जाती है, यही करने का काम है। चलो एक बार हमको थोड़ा सा भी ध्यान चला जाए, सजग हो जाए, सुख क्या है इसको समझने लगे, मेरा स्वभाव क्या है हमको दिखने लगे, तो अभी जो बहुत सारा अनर्गल काम कर रहे हैं मान्यताओं के दबाव में, संवेदनाओं के दबाव में, इससे हम निकल पाते हैं, अपने स्वभाव में जीने लगते हैं। धीरता मेरा स्वभाव है, विचलित होना, उद्वेलित होना, आवेशित होना, गुस्सा करना, हिंसा करना, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, ये हमको दिखता है, तो वैसा ही जीते हैं। जब ऐसा जीने जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, उन प्रश्नों में समाधानित होना भी जरूरी है, नहीं अगर समाधानित होंगे तो हमारे अंदर शंकाएं, प्रश्न बने रहते हैं, उलझन द्वंद्व बना रहता है, और जीने में गलतियां होती रहती हैं। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं ये भी शिक्षा संस्कार का काम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम समाधान के लिए, ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, अस्तित्व को जैसा है वैसा समझने का काम कर रहे हैं, और यही मानव के लिए करने वाला काम, यही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ की। सुविधा जुटा ली, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने के लिए मकान हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, है ना, अपने लिए भी हो गए, परिवार के लिए भी हो गया, और अब हम इस काम को करें। अगर नहीं लगता कि अभी हुआ है तो करेंगे, बट ऐसा नहीं कि पूरी जिम्मेदारी हम ही को लगती है कि सारे परिवार के लिए हम ही को सुविधा जुटानी है, और वो भी सबकी इच्छा के अनुसार, सबके अंदर ये ज्ञान समाधान होना है, तो परिवार के भी हर सदस्य में ज्ञान समाधान होना है। परिवार के कई व्यक्ति हो सकते हैं जो उत्पादन करने में समर्थ है, उनको भी सुविधा की आवश्यकता पूरी करनी है उत्पादन पूर्वक। तो हम जब इस विधि सोचते हैं तो हमको दिखता है कि सुविधा के लिए जो करने वाला काम है तो थोड़ा सा ही है ना, एक उम्र तक ठीक है कर लेंगे, उसके बाद तो बहुत सारा समय अपने पास, जब शरीर, जब लगता है कि सुविधा की आवश्यकता पूरी हो गई और उत्पादन करने लायक शरीर भी अब ऐसा नहीं है, तो बहुत सारा समय तो इसी के लिए लगाएंगे। और अभी भी दिन भर में हम 24 में से 6-7 घंटे तो लगा सकते हैं, कुछ हम भागीदारी करेंगे, कुछ समय हम निष्ठापूर्वक अपने ऊपर काम करेंगे, इतना समय तो लगा ही सकते हैं। हमको एक बार दिख जाए कि यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा धर्म है ना, इसके लिए काम करेंगे। अभी हम कुछ और मान लेते हैं तो कुछ और जगह हम काम करते रहते हैं, समय लगाते रहते हैं। बढ़िया, नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया। आज मेरा एक प्रश्न छोटा था कि जैसे जो जानवर है वो सूर या क्रूर है तो उसको अपन देख के पहचान सकते हैं, लेकिन मानव कोई मानव है या मानव है उसको कैसे अपन, मतलब मानव की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि शरीर से तो सब एक ही जैसे, मतलब ये कलर और ये छोड़ दीजिए, मोटा मोटा शरीर तो मानव का पूरी धरती पे एक ही जैसा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छा मानव है या अभी निचले स्तर का मानव। अभी देखिए हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि मैं अच्छा मानव हूँ कि निचले स्तर का मानव हूँ, मैं तो ये जैसे मानवीय गुणों के आधार पे देख सकते हैं। हाँ, अपने को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं कि मानव हूँ क्या मानव हूँ, देख पाते हैं भैया। हाँ, तो वैसे दूसरे को भी देखेंगे, तो चूंकि मैं अपने भाव विचार को सीधा सीधा देख पा रहा हूँ तो वहां तय कर लेते हैं। देखिए, उसमें मुद्दे की बात यह है कि मैं अपना जितना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाता हूँ उतना ही मैं दूसरे का भी कर पाता हूँ, तो अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं, भाव विचार को देखते हैं, तो अपने बारे में होश हो जाता है। दूसरा व्यक्ति भी जो कुछ कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है, अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर दिख रहा है कोई संवेदनाओं में लिप्त है तो पता लग जाता है, कोई व्यक्ति दिख रहा है कि अपना ज्यादातर समय और प्रयास वो समझने और समझाने के लगा रहा है तो भी दिख जाता है, तो उसके आचरण से हमको उसके समझ की स्थिति का एक मोटा मोटी आकलन हो जाता है। उसके आगे जब संवाद करते हैं तो और समझ में आ जाता है, और जब इन बारीक मुद्दों पर बात करते हैं तो और समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के पास है ना इन मुद्दों पर स्पष्टता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले उसके आचरण को दूर से देखते हैं, उससे हमें कुछ बात समझ में आती है, डायलॉग करते हैं उससे और बात समझ में आती है,
और इन मुद्दों पे हम उससे समाधानित होते हैं या नहीं होते हैं, और बात समझ में आ जाती है। तो ऐसे हम अपना भी मूल्यांकन, मतलब ऐसे हम दूसरे का मूल्यांकन कर लेते हैं, अपना मूल्यांकन अपनी ओर ध्यान देकर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियरिटी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, थैंक यू। बढ़िया भैया, का प्रश्न है मानव शरीर या इकाई प्राणावस्था में है क्या? बिल्कुल प्राणावस्था की इकाई है मानव शरीर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे को जो आज सुबह के उसमें समझ आया उसमें यही है कि मेरी समझ इतनी बढ़ जाए कि मेरा ह्यूमन कॉन्शियस एनिमल कॉन्शियस की तरह वर्क ना करे, और अगर ह्यूमन कॉन्शियस वर्क कर रहा है तो उसमें हैप्पीनेस हो, मेरी पार्टिसिपेशन दूसरों के लिए भी सेम एज इट इज हो, जैसे मैं अपने साथ अपना व्यवहार सारी सेल्फ और बॉडी में जैसा मेरा को एग्जिस्टेंस है वैसा को एग्जिस्टेंस मेरा दूसरों के साथ भी, मानव संबंध निर्वाह और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और ये भागीदारी हम लोगों की सबकी बनती है। और मैं सबके ऊपर बात नहीं करूंगी, फर्स्ट तो हम लोग अपने ऊपर ही हमें वो भागीदारी को समझना, उस समझ से जो हम निर्वाह कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो हैप्पीनेस है और हार्मनीज है हम गेन कर पा रहे हैं। जी जी बढ़िया, उस पे काम करते, और यही हमारे संस्कार है और यही हमारी एजुकेशन है। जी बढ़िया बढ़िया। और अगर 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 हम लोग अगर ह्यूमन कॉन्शियस एनिमल कॉन्शियस की तरह वर्क करेगा ऑब्वियसली वो संस्कार सामने नजर आते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, वो एजुकेशन फिर हम लोग का क्या मायने देता, कुछ भी नहीं देता फिर। जी जी, तो हम सही एजुकेशन के लिए काम करें, खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अगली पीढ़ी के लिए भी। जी, और सर फिर भी फिर ये सब करते हुए पूरे दिन भर में मैं कहीं ना कहीं अपने पुराने संस्कार पे आ जाती हूँ। जी है ना, वो एक जो assumptions बनी हुई है ना उसको कंट्रोल कर, मतलब कि उस अपने में समझ को बढ़ाना, वो मेरे को ऐसा लगता है अभ्यास करने से ही आ पाएगा। कोई प्रश्न हो तो बताइए दीदी, अभी प्रश्नों को ले रहे हैं। शेयरिंग के हमारे खुद के पास शेयरिंग के लिए अवसर मिलेगा, ये शेयरिंग है ना हम लोग बिल्कुल करें, उपयोगी चीज है, परंतु अभी बारीकी से ध्यान दें, समझे प्रस्ताव को जो कहा जा रहा है ना, उसको अगर हम जितना स्वयं में जांच पाएंगे, जितना देख पाएंगे है ना, उतना हमारी और गति बनेगी। बढ़िया दीदी जी, थैंक यू। अमोल जी, भैया एक प्रश्न था कि मानवीय शरीर ये प्राणावस्था है ये दिख पाता है, मगर जब हम शरीर को मतलब जीव को शरीर से अलग करते हैं, जैसे सिर्फ शरीर को देखते हैं, तो फिर उसमें ये ग्रोथ नहीं दिखती है ना। तो उसे सिर्फ शरीर हो गया है ना, तो शरीर के साथ आप सहस्तित्व में नहीं है, तो शरीर में तो प्राण चला गया, जब प्राण चला गया भाई शरीर तभी छोड़ा ना जब प्राण चला गया। जी, प्राण चला गया तो फिर वो उसमें पुष्टि कहाँ से होगी, ग्रोथ कहाँ से होगा, तो नहीं होगा, तो वो सिर्फ तो फिर वो फिजिकल मतलब जड़ अवस्था में जाएगा है ना, तो जड़ अवस्था में चला जाएगा, जाता ही है। जी बिल्कुल, तो जी। मतलब प्राणावस्था में प्राण प्राण मतलब मैं प्राण है, शरीर में प्राण है, मैं नहीं, शरीर में प्राण है। हाँ, और जब जीवावस्था या ज्ञानावस्था की बात करें तो इस प्राण की क्रिया को बनाए रखने में मेरी भागीदारी है, क्योंकि पेड़ पौधे में देखें तो हवा का आदान प्रदान अपने आप होता रहता है पेड़ पौधे की बनावट से, यहाँ हमारे मानने से होता है, निर्णय से होता है। जी 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 जी, जी। जैसे वो वेंटिलेटर में चलाते हैं तो फिर प्राण रहते हैं, मतलब एक अलग व्यवस्था बनाई रेस्पिरेशन, उसमें मेरे निर्णय के बावजूद शरीर में अभी वो क्षमता नहीं है कि खुद से सांस खींच सके, कफ भर गया है पूरे फेफड़े में है ना, या कुछ और हो गया है, तो वेंटिलेटर पर रख के किसी तरह से उसको चला लेते हैं, तो निर्णय हो रहा है परंतु सहयोग नहीं कर पा रहा शरीर, तो शरीर को हम सपोर्ट तो करते हैं और औषधियों से यंत्रों से सपोर्ट करते हैं। जी, तो जब मैं है तो मैं ये डिसीजन लेता है कि मैं प्राण लूंगा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं हावी है, मैं सबसे ज्यादा निर्णय लेता है, तो
फिर मैं जब चला जाता है तो निर्णय लेने वाला कोई नहीं रहता, तो भी प्राणावस्था से जड़ावस्था में जाता है शरीर। जी सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो जी, प्रणाम भैया, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी इसके ऊपर क्वेश्चन एक ऐसा मन में आ रहा है कि जैसे प्राणावस्था में है और उसके बाद डेथ हो जाती है, आत्मा तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है भैया? हाँ, डेथ हो गई, उसके अंदर आत्मा नहीं है, फिर भी अब आत्मा में कहें, मैं की बात हो रही है ना, नहीं तो मैं की बात कुछ और बात में चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे डेथ हो गई तो उसके सगे संबंधी उसको सालों साल तक याद रखते हैं या याद करते हैं, या उसकी जो क्रियाएं जो है 10 क्रिया करते हैं, 13वीं करते हैं, तो ये कैसा समझा जाए? याद करते हैं, ये जो व्यक्ति शरीर चला रहे हैं वो याद करते हैं जी, तो मैं बना हुआ है, शरीर चला गया है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंडफादर नहीं रहे, मान लीजिए दादाजी जी रहे, जी तो याद करते हैं तो उनके शरीर के रूप का आस्वादन है ही, है ना, उनके साथ व्यवहार किया उसकी स्मृतियां हैं, याद करते रहते हैं। अगर हम समझ जाएंगे तो एक तरह से याद करेंगे, नहीं समझेंगे दूसरे तरह से याद करेंगे, नहीं समझेंगे याद करके दुखी होंगे, समझ जाएंगे तो जैसा वैसा देख पाएंगे कि हाँ मैं बना हुआ है, शरीर चला गया, ये तो मेरे साथ भी होगा, मेरे बच्चे के साथ भी होगा, मेरे पिताजी के साथ भी होगा, ये तो हर एक के साथ होना है। जी थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, समय हो चला है, अभी समय हो चला है तो हम लोग को चर्चा यहाँ रोकनी होगी, फिर आगे कल इस पर चर्चा करेंगे जी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। जितनी बात आज हुई उसको हम और अपने पर ध्यान दें, विश्लेषण करें, समझें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।